हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह के बजने वाले 6:00 हमें 5 मिनट बाकी हैं और प्लान एक्चुअली कैंसिल हो गया। पहले मैं अकेला जा रहा था, अब मेरे साथ जा रहे हैं 3-4 बंदे और हम जा रहे हैं उज्जैन। सबसे पहले है ना उज्जैन जा रहे हैं महाकाल। हमारे साथ राहुल भाई हैं, राहुल भाई आए कर दो, विक्की बाबू हैं, सुमित भाई हैं, दो सुमित है एक साथ आज हमारे। तो भाई हम कर रहे हैं अपना ट्रिप शुरू और सीधा उज्जैन चलते हैं। उज्जैन में ब्रेक लगेगा। जय महाकाल। टाइम हो गया 8:00, हम रुके थे राहुल भाई चाय पीने ना, और ये पलवल के पास का है ये व्यू। हम इधर पेट्रोल भराने रुके थे और व्यू देख लो। हम लोग पहुंच गए कोटा और बज गए 11 और हम खा रहे हैं कड़ी कचौड़ी। और कचौड़ी तो पूरी खा ली, जलेबी चल रही है साथ में। ये आ गई कड़ी कचौड़ी भैया, एक सिंगल कचौड़ी और दे देना। एक और आ गई कड़ी कचौड़ी। राहुल भाई कैसे स्वाद आ रहा है? तो सुमित बाबू अभी कितने घंटे चलना, कुछ आइडिया? 5:15 पहुंच जाएंगे। 11 बज रहे हैं, 5:15 हम होंगे मेन उधर उज्जैन। टाइम हो चुका है 3:05 और हम पहुंच गए हैं। मुझे अभी पता नहीं है, यहाँ से अभी 2.5 घंटे का रास्ता और है उज्जैन महाकालेश्वर। यहाँ हर जगह पोहा वोहा मिलता है, तो हम पोहा खाने रुके हैं इधर क्योंकि भूख लग गई थी, तो हमने कहा पोहा खाते हैं। और यहाँ कड़ी कचौड़ी और पोहे के अलावा और कुछ भी नहीं है। सही बताऊँ ये है पोहा। भाई फाइनली टाइम हो गया है 5:20 और हम पहुंच चुके हैं उज्जैन में। शिप्रा नदी है ये रामघाट में, इधर नहाएंगे, उसके बाद एक बार जरा नहा के अच्छी तरह साफ सुथरे होके फिर जाएंगे सीधा मंदिर महाकालेश्वर। थक गए भाई, 11.5 घंटे गाड़ी चला चला। शिप्रा नदी मिलती है चंबल नदी में नीचे। हाँ, और ये शिप्रा नदी मिलती है चंबल नदी में नीचे। ये है रामघाट। तो भाई हम लोग हो गए नहा के एकदम तैयार और सारे हो गए हैं, भाई के रिक्शे में बैठ रहे हैं, रामघाट से बैठ रहे हैं 4 नंबर गेट के लिए। तो चलते हैं भाई 4 नंबर गेट। चलो, सारे प्रसाद बेच रहे हैं लेकिन यहाँ प्रसाद चढ़ता नहीं है, तो हमने ये डिसाइड करा अंदर ही इनकी पर्ची वर्ची कटती है, उन पैसों का गरीबों के लिए भंडारा हो जाता है, उनका खाना वाना हो जाता है, तो अंदर ही सारे पैसे अंदर दे देंगे ना भाई। यही बता रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, तो अभी एक भाई को फ़ोन करा जो एंट्री करवा रहे हैं हमारी, तो वो हमें अंदर से लेने आने वाले हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं। ये है निशुल्क जूता स्टैंड जहाँ जूते रखवा सकते हो अपने, और जूते रखवाते हैं और फिर चलते हैं। वेरी गुड। और मेरा हो गया पूरा सिस्टम ओके, चलते हैं। सबके लग गई है, राहुल भाई बच रहे। तो भाई इसमें ना 250 रुपये की VIP एंट्री है, इसका पास लेना पड़ता है, इसमें नाम आपका मेंशन होता है आकाश, ये देख लो। और चलते हैं हम एंट्री की तरफ। भाई वैसे तो मंदिर में भाई हमें लेने आए हैं, वो जो आगे हैं, लेकिन उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी ना, वो ऐसे ले, क्योंकि आज थोड़ा खाली खाली है। जब VIP दर्शन करने हैं तो ये देखो, आपको मैं तो दर्शन करा देता हूँ महाकाल के दर्शन। ये है मंदिर, भीड़ ज़्यादा नहीं थी और भगवान की दुआ से दर्शन बहुत अच्छे हो गए, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। बट अंदर कैमरा ले जाने देते थे, इसलिए मैं नहीं लेके गया, बस यही सीन था। हाँ, फोटो नहीं खींच रही। जय हो। हाँ, ये फोटो खींच रहा। ये आ गया एग्जिट, अब हम निकल रहे हैं बाहर। और यहाँ तो फोटो खींचना भी अलाउ नहीं है, तो मंदिर में अच्छे से दिखा नहीं पाया, लेकिन बट मेरे को दर्शन बहुत अच्छे हो गए। ये गाइस, एक बाबा जी ने अपना घर ऊपर बना रखा, पेड़ में ऊपर ही रहते हैं वो, ऊपर ही उनका भोजन वोजन पहुंच जाता है यहाँ से। तो भाई अभी टाइम हो गया 7:00 और हमारे यहाँ के दर्शन हो गए, अब हम यहाँ से जा रहे हैं काल भैरव, क्योंकि यहाँ के दर्शन करने के बाद काल भैरव जाना बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ से है। काल भैरव कितना है, 2-3 किलोमीटर? कितना है? 2-4 किलोमीटर है, गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। भाई दर्शन कैसे हुए?
बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो भाई बट दुख यही है कि इन जगहों पे यार अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अब काल भैरव में देखते हैं कुछ हो सकता है। वहाँ मैंने सुना आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो एक बार ट्राई करते जाके। काल भैरव की पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है पीछे पार्किंग में, और आगे है हमारे मंदिर का मार्ग, और जहाँ हम गए थे अभी पहले महाकालेश्वर, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो आज एक हमारा ज्योतिर्लिंग हो गया, दूसरा केदारनाथ हो ही रखा ऑलरेडी। बस ना उत्तराखंड में तो एक ही है ना। हाँ तो भाई यहाँ कोई आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ प्रसाद में चढ़ती है दारू की बॉटल, अगर आप चढ़ा सकते हैं तो यहीं है ठीक मंदिर, ये रहा सामने, और सामने है वाइन शॉप। हम एक इधर से बॉटल ले रहे हैं अंदर, वो थोड़ा सा कटोरी में लेते हैं ऐसे प्रसाद के तौर पे और चढ़ा देते हैं। तो भाई राहुल भाई ने एक बोतल, राहुल भाई ने लिए ब्लेंडर की, एक बोतल मैंने लिए ब्लेंडर की। एक्चुअली यहाँ दारू महंगी है ना, लेकिन ठीक है, श्रद्धा भक्ति से जो भी हो। एक डेढ़ घंटे में पहुँचे बहुत ही मुश्किल से, तो अब चलते हैं आगे। तो भाई देखा आपने, सिर्फ एक मिनट के लिए दर्शन हुए हैं और इतना ज़्यादा भीड़, मतलब इतनी ज़्यादा लाइन में लगना पड़ा, मतलब धक्का दे रहे लिटरली ना दर्शन के लिए। चलो कोई नहीं, जब रश इतना है तो धक्के तो पड़ेंगे। तो चलते हैं बाहर की तरफ एग्जिट। तो गाइज हमारे दोनों जगह के दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से, और टाइम हो गया 8:30। हम सुबह के 5 बजे से उठे हुए हैं और 15 मिनट के लिए भी नहीं सोए। भाई तो खैर 2 घंटे सो चुका है आराम से। तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। कल हम जा रहे हैं इंदौर, इंदौर जा रहे हैं ना। यस, कल इंदौर का आपको दिखाते हैं खाने में क्या क्या है, कैसा बनता, कौन सी जगह कैसी, क्या क्या सब देखते हैं। तो भाई बाय बाय सारे भाई, बाय बाय कर दो। तो गाइज टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।